देख रहे हैं खबर आजकल, मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं अपर भागडोगरा के केदारनाथ स्कूल के समीप में। आप सभी को बताना चाहूँगा कि संडे है, संडे लोग एक तरफ जहाँ आज के दिन को थोड़ा अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे आज हमने सुबह जब हम निकले तो हमने बाज़ारों में सबसे ज़्यादा भीड़ मीट और बाकी चीज़ों को दुकानों पर देखी, यानी कि आज का जो मौसम है इसको लोग अलग तरीके से थोड़ा बहुत हो सकता है लॉकडाउन के बीच में थोड़ा इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसी चीज़ को देख कर हम लगता है कि लोग आज थोड़े से मिजाजी हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग लॉकडाउन के समय में एक वक्त का खाना उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा है। आज रविवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन में जो डेली मजदूर जो होते हैं, जो दिन कमाते हैं दिन खाते हैं, वैसे वाले लोग जो होते हैं, जो लेबर्स होते हैं या जो गरीब परिवार या गरीब वर्ग के होते हैं, रविवार के दिन उनको एक तरह से हफ्ता मिलता है, जिसकी बागडोगरा आसपास में बोले तो बाज़ार की व्यवस्था वो अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन ठीक इसी बीच आप सभी जानते हैं कि आज का मौसम में किस तरह का बदलाव है। सुबह से ही मौसम में थोड़ा ठंडक है और मौसम बहुत ही रिमझिम बारिशों के साथ लगातार चल रहा है। इसी बीच हमें खबर मिली कि अपर बागडोगरा में कुछ समाज सेवियों द्वारा लगभग एक एरिया में कम से कम 250 से 300 लोगों को कच्चे खाद्य सामग्री का पूर्ति किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी और सराहनीय बात है, क्योंकि इस समय में लोगों के बीच खड़ा रहना, उन्हें मदद करना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर 2-3 समाज सेवी मौजूद हैं। ऐसे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समाज सेवी के रूप में आज वो यहाँ पर हैं। क्या कुछ वो यहाँ पर आज कार्यक्रम वो कर रहे हैं उनसे हम जानते हैं। लक्ष्मी दी हमारे साथ मौजूद है। दीदी स्वागत है आपका खबर आजकल में। नमस्कार। आज हम लोग खाद्य सामग्री बांटे जा रहा है, कम से कम हमारे इस एरिया में 1500 लोगों को बांटा जाएगा, अलग अलग बगान एरिया में भी बांटा जाएगा, यहाँ पर कम से कम 250 लोगों को बांटा जा रहा है। जी, तो जैसे कि आज रविवार का दिन है, काफ़ी लोग अपने अपने कामों में भी व्यस्त रहते हैं, अभी बहुत कम समय मिलता है कि लोग दुकान पर जाके समय सामान खरीद पाएँ या बाकी कामों को अंजाम दे पाएँ। इसी बीच में आप लोगों ने को देखा, अच्छा नोबेल आप काउस कर रहे हैं, कब से ये तैयारियां चल रही थी आपकी? ये तैयारी हमारा 4-5 दिन से सतीश जी जो हैं, सतीश मित्तल जी, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट था, उनसे मैंने आवेदन किया था कि हमारे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत राशन वितरण कर दीजिए, और उन्होंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। और सतीश मित्तल जी बहुत जाने माने हैं, वो सोशल सर्विस भी बहुत किए हैं, पिछली बार लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत काम किया था, इस बार मुझे भी मौका मिला है उनसे हेल्प लेने का। जी अच्छा मैम, जैसे कि यहाँ पे देखा गया लगभग एक गाड़ी पूरा सामान आया हुआ सिर्फ एक जगह के लिए, पता चला कि और भी कई जगहों पर जाकर आप वितरण करेंगे, आज हो सकता है पूरा दिन आपका व्यस्त हो जाए, ऐसे में क्या रिस्पॉन्स लग रहा है, लोगों को कितनी खुश देख पा रहे हैं इस वितरण के बाद? देखिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में अभी देखिए, जैसे कि टोटो ड्राइवर है जिनका अभी काम नहीं है, लेबर लोग जो खाने के अभी मतलब तस्ती चल रही है, तो हम लोग ने कल से ही टोकन बांटा जा रहा था, अभी आज से मतलब हम लोग कम से कम 1500 लोगों को राशन का वितरण करेंगे अलग अलग जगह पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 250 से 300 लोग हैं मौजूद, और जगह MM तराई पंथा बड़ी वहाँ पर भी जाएंगे, अलग अलग चाय बागान में भी जाएंगे। यहाँ पे एक तरह से एक पैकेज दिख रहा है, इस पैकेज में क्या क्या चीज़ शामिल है थोड़ा बता पाएंगे? एक पैकेज में चावल दाल आलू तेल नमक आटा बिस्किट सबका सामग्री। यहाँ पर हमारे साथ सतीश जी मौजूद हैं, आज उनसे आपको परिचय कराते हैं। सर कहाँ से हैं आप? मैं सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी कहाँ के रहने वाले? चर्च रोड के। चर्च रोड के। तो इस तरह की जो सोच आप रख रहे हैं, लोगों को पेंडेमिक सिचुएशन में मदद कर रहे हैं, कुछ अलग अलग जगह के लोगों के साथ तालमेल बैठा कर, कैसा लग रहा है और क्या सोच कर आप ये सब कर रहे हैं? आनंद मिलता है इसमें, कम से कम गरीबों को तो घर पर खाना मिल रहा है पहुँच कर। जी तो आप आज बागडोगरा आए हैं, बागडोगरा में लोगों के साथ मदद के लिए खड़े हैं, तो यहाँ पे लोगों के जो चेहरे पे एक मुस्कान मिल रही है जब वो कुछ सामान रिसीव कर पा रहे हैं, तो उस मुस्कान को देखकर क्या कहते हैं? बहुत आनंद आ रहा है। सिर्फ आनंद आ रहा है, यानी कि बहुत कम बोलते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। ना ना वैसी को मतलब देख के आनंद आ रहा है कि गरीबों के घर में भी चूल्हा जले। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल 15 दिन का नया जो लॉकडाउन बढ़ा था वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, आज 7वां दिन है इसके बाद, और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी, तो इस बीच में क्या अनुभव करते हैं कि लोगों को किस किस तरह का तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? सामना तो देखिए, जो बाजार बंद होने से मिडिल क्लास के आदमी लोग ज़्यादा मर रहे हैं और गरीब आदमी ज़्यादा मर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की सेवाएं कितनी जरूरत पड़ती है? बहुत ज़्यादा अहमियत है इस चीज़ की। तो आप कब तक इस तरह की सेवा प्रदान करने का? जब तक ऊपर वाला साथ देगा तब तक अपने आगे हैं। पिछला 1500 की लिस्टिंग आपने की, इसके बाद आगे और भी करेंगे। हाँ जी। तो सतीश जी से बात हो रही थी, लक्ष्मी जी से बात हुआ, और यहाँ पे और एक परिजन है। सर क्या नाम है आपका? अशोक गोयल। जी अशोक गोयल जी, कहाँ से हैं आप? प्रधाननगर से। प्रधाननगर से हैं, सिलीगुड़ी से
आप बागडोगरा पहुंचे हैं, यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे आपको जानकारी मिली कि इस जगह पे लोगों को ज़रूरत है, लोगों के बीच कुछ बांटना चाहिए? मेरे दोस्त है सतीश जी मित्तल, इन्होंने बोला चलो बागडोगरा चलते हैं। मैं बोला चलो इससे बढ़िया और क्या होगा। क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आनंद आता है। लास्ट ईयर भी हम लोग निकले थे, लास्ट लॉकडाउन में भी हम लोग गए थे, तो अच्छा लगता है हम लोग। तो लक्ष्मी दीदी से लास्ट जुड़ते हैं। दीदी, इस तरह के लोग बागडोगरा में आपके संपर्क में आए, आपके जरिए लगभग यहाँ 250 लोगों को मदद मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए और बाकी ऐसे लोगों के लिए जो आपके या किसी के भी बुलाने पर लोगों के बीच तुरंत खड़े हो जाते हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सतीश मित्तल जी को, अशोक गोयल जी को, जो मेरी एक रिक्वेस्ट से वो लोग आए। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, जिस तरह से अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, इन्होंने हेल्प किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश मित्तल जी को, अशोक गोयल जी को और उनकी पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी दी। तो आपने देखा लक्ष्मी दी और बाकी उनकी टीम जुड़े थे, लगभग 250 लोगों को मदद पहुँचाए। सिर्फ ऐसे ही ग्रुप नहीं है बल्कि बागडोगरा में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप अभी एक्टिव हो रहे हैं। पहले भी एक्टिव थे लेकिन इस बीच में थोड़ा एक्टिवनेस हम लोगों को ज़्यादा दिख रहा है। लोग अलग अलग जगहों से हमें फ़ोन भी करते हैं कि हमें किसी भी तरह की ज़रूरत अगर कहीं किसी को है तो हम हमेशा से रेडी हैं उन्हें पहुँचाने के लिए। फिलहाल इस तरह की एग्जाम्पल्स आप देखते हैं, इस तरह की खबरों को दिखाने का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि लोग एक दूसरे को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं। लोग किसी को जब मदद पहुंचाते हैं, उनको थोड़ा सा अगर हम पुशअप करते हैं, थोड़ी सी उनकी मनोबल अगर हम बढ़ाते हैं, चाहे न्यूज़ के माध्यम से या किसी भी तरीके से उनको एक सपोर्ट करके, तो सही मायने में हमें लगता है कि हम भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हम आप सभी को हमेशा से प्रोत्साहित करते आ रहे हैं कि लोगों के समक्ष खड़े रहिए, जो भी थोड़ी बहुत आप मदद पहुंचा सकते हैं मदद पहुंचाने की कोशिश करिए। मदद पहुंचाने के लिए आपको कोई बड़ी संख्या या बड़ी मात्रा या बड़े परिमाण नहीं चाहिए, बल्कि आप एक अच्छी सोच आपको चाहिए, जो कि हर मानवता के बीच में होती है और आप में भी है और आप ऐसा कर रहे हैं। आप सभी का फिलहाल इस खबर के साथ मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लगातार खबर आज के साथ बन रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।